महाभारत में द्रौपदी को कई सारे नामों से पुकारा गया है। नंबर वन, कृष्णा। जन्म के समय द्रौपदी के गात्र वर्ण कृष्ण होने के कारण उनकी नाम कृष्णा रखी गई। नंबर दो, यज्ञसेनी। यज्ञ की अग्निवेदी से जन्म होने के कारण देवी द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। उनके पिता द्रुपद ने पुत्र कामेष्टि तथा पुत्रेष्टि यज्ञ किया था ताकि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जो गुरु द्रोण को मार सके। कहा जाता है कि धृष्टद्युम्न के जन्म के कुछ ही क्षण बाद द्रौपदी का जन्म हुआ। नंबर थ्री, पार्षदी। महाराज पृषद पूरे पांचाल के अधिपति थे और राजा द्रुपद के पिता थे। पृषद की पौत्री होने के कारण देवी द्रौपदी को पार्षदी भी कहा जाता है। नंबर फोर, नित्य युवती। भगवान शिव ने द्रौपदी को प्रत्येक दिन कुमारी होने का वरदान दिया था इसलिए उन्हें नित्य युवनी भी कहा जाता है। नंबर फाइव, पंचमी। देवी द्रौपदी की और एक नाम थी पंचमी जो उनके पांच पतियों के साथ जुड़ा हुआ है और इस नाम का अर्थ है पांच पतियों वाला एक स्त्री।